दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों निर्णायक T20 से पहले भारत को लगा बहुत बड़ा झटका। कप्तान हार्दिक हुए बाहर तो सूर्य कुमार यादव बने टीम इंडिया के नए कप्तान और उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभालते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। उन्होंने दो सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर ऐसे सितारों को दूसरे T20 के लिए मौका दिया है जिससे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो आखिर कैसे पांड्या हुए रातों रात टीम इंडिया से बाहर और सूर्य कुमार यादव ने क्या कुछ बदलाव किए हैं पूरी प्लेइंग 11 में आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक, सूर्य और ईशान में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला बड़ा ही रोमांचक रहा। मैच 100 रन बनाने में टीम इंडिया की हालत खराब हो गई। वह तो भला हो सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या कप्तान साहब का जिन्होंने अंत तक बल्लेबाजी करके टीम इंडिया की लाज बचा ली। अब सीरीज का अंतिम फैसला होना है। आपको बता दें भारत दूसरे मुकाबले को आसानी से जीत जाता यदि शुभमन गिल ईशान किशन की जोड़ी टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दिला पाती। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पिछले दोनों मुकाबलों में बेहद ही शर्मनाक बल्लेबाजी करके मीडिया के नाक कटाई है। इसके अलावा भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत अधिक निराश किया है। ऐसे में अब टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपको बता दें भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। उम्मीद है इस मुकाबले में ज्यादा रन बनते दिखाई देंगे क्योंकि सीरीज के दूसरे मुकाबले में उम्मीद थी कि अच्छे खासे रन बनते दिखाई देंगे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन तीसरे मुकाबले में बल्ले और गेंद के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। अहमदाबाद में भी स्पिन गेंदबाजी को अच्छी खासी मदद मिलने वाली है। ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकता है क्योंकि इस मुकाबले में थोड़ी बहुत भूमिका भी निभा सकती है। इस मुकाबले का मजा आप स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ उतार सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। आपको बता दें भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला तीसरा और अंतिम मुकाबला 1 फरवरी को खेला जाएगा जो कि भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस फाइनल मैच में पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। हार्दिक पांड्या तीसरे T20 से पहले पूरी तरह से बाहर हो गए हैं तो ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की कमान है सूर्य कुमार यादव के हाथों में जिन्होंने तीसरे मुकाबले में जीत के लिए बड़े ही हैरान कर देने वाले फैसले लिए हैं। आपको बता दें लगातार फ्लॉप रहने वाले शुभमन गिल को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है और उनकी जगह काफी समय बाद भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने वाले पृथ्वी शॉ को प्लेइंग 11 में मौका दिया है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब लोग पृथ्वी शॉ को एक लंबे अंतराल पर टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए देख सकते हैं। उनका साथ निभाते हुए नजर आएंगे ईशान किशन। इन दोनों युवा खिलाड़ियों की जोड़ी पर टीम इंडिया को धाकर शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं नंबर 3 के पायदान पर नजर आने वाले हैं सूर्य कुमार यादव खुद। जी हां दोस्तों, हार्दिक की गैर मौजूदगी में सूर्या के सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा नंबर 4 पर राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको बता दें राहुल के पास खुद को साबित करने के लिए यह अंतिम मौका होने वाला है। वहीं दोस्तों लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी रहने वाली है दीपक हुड्डा के कंधों पर। जी हाँ, आपको बता दें पिछले मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि बल्लेबाजी में उनको कुछ खास मौका करने को नहीं मिला लेकिन उनकी बल्लेबाजी ही नहीं आई थी। अब तीसरे मुकाबले में उनके बल्ले और देने दोनों से ही बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसके अलावा दोस्तों नंबर 6 पर उनके साथ विकेट कीपर की भूमिका में जितेश शर्मा नजर आने वाले हैं। जी हाँ, पंजाब किंग्स के लिए ताबड़तोड़ प्रदर्शन करने वाले जितेश को भारत के प्लेइंग 11 मौका मिला था और अब वह सीरीज के अंतिम और निर्णायक मुकाबले में भारत के लिए ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर अपनी ऑलराउंड क्षमता से मेहमानों से बेहतरीन मुकाबला करते हुए दिखाई देंगे। इस खिलाड़ी ने अब तक इस श्रृंखला में सबसे लाजवाब खेल दिखाया है। पहले मुकाबले में अर्धशतक लगाने वाले वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट भी लिए थे। इसी प्रदर्शन को दोहराते हुए उन्होंने दूसरे मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया। बात करें स्पिन गेंदबाजों की तो यहाँ पर एक बार फिर से युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी। तेज गेंदबाजी आक्रमण में मुकेश कुमार को मौका मिल सकता है। जी हाँ, काफी समय से प्लेइंग बेंच पर बैठने वाले मुकेश कुमार को भारत की प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। वहीं अर्शदीप सिंह भी अब फॉर्म में आ चुके हैं तो तीसरे मुकाबले में भी अपनी टीम के लिए दमदार खेल दिखाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले तीसरे और आखिरी T20 मुकाबला बेहद ही रोमांचक होगा क्योंकि इस मुकाबले में दोनों ही टीमें जीत के लिए पूरी ताकत लगाती हुई नजर आएंगी। लेकिन आपको क्या लगता है भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए कौन सा बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।